आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं सोल रेस, क्योंकि वेल भैया गेम में आ चुका है एक न्यू अपडेट। एंड वेल, इस अपडेट के अंदर गेम में काफी सारी चीजें आई हैं, लाइक न्यू वर्ल्ड जो होने वाला है अपना हाँ, मुझे नहीं पता अभी कौन सा वर्ल्ड है, बट वेल डोंट वरी, इस वीडियो के ऊपर होने से पहले पहले अपन इस नए वर्ल्ड में होंगे। एंड उसके अलावा गेम में आया है एक नया फीचर, नया बॉस फीचर, जिसके अंदर तुम लोगों को पेलनी होती है विच बॉस। जी हाँ, और इसको पेलने के बाद तुम्हें मिलेगी चेस्ट, एंड उस चेस्ट के अंदर तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। हाँ, मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, इवन तो मैंने गेम में, जब मैं अभी अभी आया था, तो मेरे सामने एक बॉस आया था, मैंने उसे पेला भी था, मेरे को एक चेस्ट मिली भी थी, बट इंट्रो के चक्कर में उसका टाइम ओवर हो गया और मेरे को वो चेस्ट नहीं मिली। बट खैर, कोई ना, मुझे पता है चेस्ट आई है, वो मिल सकती है। और उसके अलावा गेम में कुछ और नहीं आया, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बिच बॉस ऐड किया गया है, एक बॉस ट्रेजर चेस्ट ओपन की गई है, जो ऐड की गई है, जो मेरे को मिली थी बट ओपन नहीं की मैंने। एंड उसके अलावा न्यू कोड अपडेट 4, जिसको भी अपन ट्राई करेंगे, एक्चुअली पहले उसी को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यार, राम राम जपना पराया माल अपना, ठीक है। अपडेट 4, लेट्स होप इसके अंदर कुछ खतरनाक मिले। कोड सक्सेसफुली रिडीम एंड यू गॉट लक बूस्ट। ओके, लक बूस्ट ठीक है, मतलब 20 मिनट का लक बूस्ट है, मतलब काफी सारे, मतलब अपन कॉइन वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, देन अपने लिए काफी सारे अंडे ओपन करेंगे, देन अपने को मतलब मिलना होगा जो मिल जाएगा, ठीक है। पहले ही आ जाते हैं, इसको क्लेम कर लेते हैं, 6 मिलियन कॉइन्स। वेल, कौन मना करेगा, हम ऑफ कोर्स लेंगे, ठीक है। और एक्चुअली अभी भी दे रहा है कुछ, ओके अभी भी दे रहा है। एक्चुअली लेजेंडरी स्वॉर्ड मिली अपने को अभी अभी, है ना, इसकी पावर दिखाओ। 250k, डैम आई लाइक इट, एक्चुअली मैं लूंगा, अवश्य लूंगा इसको, ठीक है। एंड बाय द वे, सोर्ड की मतलब किस वाले में से है ये, किस बॉस की सोर्ड है ये, मेरे को ये दिखाओ पहले, ठीक है। ये चीज देखने वाली है ना यार, कमाल नहीं है, मैं भैया सब जगह देख चुका हूँ, ये वाली सोर्ड कहीं पे है ही नहीं यार मुझे लगा कोई एक्सक्लूसिव सोर्ड है भाई, मतलब एक्चुअली में है भाई, ये देखो रेनबो इफेक्ट। ये सोर्ड कुछ मतलब है, कुछ पारलौकिक शक्तियां वाली, सही है एक्चुअली, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं, रिवॉर्ड क्लेम कर लेते हैं, 3 मिलियन कॉइन्स। वेल ऑफ कोर्स मैं लूंगा, एंड डिफीट पता नहीं कब कर दिया, बट फिर भी थैंक यू। अच्छा, लास्ट एपिसोड में, ओ गेट इट, ऑल राइट, 5 मिलियन ये दे दो, एक अंडा दे दो, टर्की मिली कॉमन, वेल चलो सही, समथिंग इज फार बेटर देन नथिंग, तो चलेगा मेरे को, ठीक है। 23 मिलियन कॉइन्स मिलेंगे इसमें से, और देन एक अंडा और, वेल इसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे पास हो चुके हैं 41 मिलियन कॉइन्स, तो यप, तुमने सही आइडिया लगाया। अब हम लोग ओपन करने वाले हैं अपने लिए एक अंडा, जिसके अंदर प्लीज लेजेंडरी दे देना वेल एपिक भी बुरा नहीं है एक्चुअली, है ना। मैं लेजेंडरी की उम्मीद कर रहा था भाई, इवन तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, बट चलो सही है, 19% वाला एपिक चलेगा मेरे को, है ना। स्ट्रेंथ है इसकी 200, मैं ऑफकोर्स इसको लेने वाला हूँ, ये बात कर रहे हो यार। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ अपनी इस गूस को भी अपन अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूज आई मीन टू से, हाँ मतलब तब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और 80% यार ये 100% सक्सेसफुल होता है, राइट, एम आई राइट, हाँ ऑफ कोर्स एक्चुअली, भाई गलत हो सके कभी, ठीक है। सो वेल, अपने पास काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैट हो चुके हैं, 105, वेल ये चलेगा मेरे को, ये 100% चलेगा मेरे को, है ना। एंड वेल, अपनी स्ट्रेंथ बहुत सारी हो चुकी है, और उसके अलावा मैं चाहूँ तो रिवर्थ पेल सकता हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और एक्चुअली नहीं, 9 मिलियन चाहिए उसके लिए, मैं नहीं कर रहा, उससे बेटर अपन लोग अपग्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एक्चुअली अपग्रेडिंग करना ज्यादा सही ऑप्शन है। 10 मिलियन बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, 10 मिलियन बचे हैं ना, तो अपन एक रिवर्थ पेल लेते हैं, ठीक है। वैसे भी अगले वर्ल्ड में जाने के लिए अपने को चाहिए होगी 18 रिवर्थ, बहुत सारी है, बट या यू नो, मैं मुझे पता है मैं कर लूंगा। और उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं, 23 मिलियन कॉइन कलेक्ट कर लेते हैं, और एक और अंडा ओपन कर लेते हैं, मतलब या फ्री में मिल रहा है तो चलेगा मेरे को, ठीक है। एंड अगेन एपिक, वेल दैट्स गुड, दैट्स अ लॉट बेटर एक्चुअली, है ना। एंड वेल, अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1 मिलियन प्लस, या नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, है ना। सो वेल, मेरे हिसाब से अपन लोग इस तक सही है, स्केलेटन पेल दिया, और अपने को एक नई स्वॉर्ड मिली है, स्ट्रॉन्ग ना एक्चुअली मेरे हिसाब से ये, है ना, 54 की। बट वेल, अगर देखा जाए तो अपनी ये वाली सोर्ड भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है,
क्योंकि ये अभी बेस फॉर्म में है एंड ये भी बेस फॉर्म में, मतलब लेजेंडरी की तो क्या ही ओड होगी, है ना। बट हाँ, इसको अगर अपन डिवाइन वगैरह कर दें तो ये पावरफुल बन जाएगी। बट अभी लिए लीव कर देते हैं, अभी अपन लोग फोकस कर लेते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पर। और या अपने को काफ़ी सही पैसा मिल रहा है, अपने को ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉइन मिल रही है, नहीं 1 मिलियन नहीं, सॉरी 2 मिलियन है ना, हाँ 2 मिलियन पॉइंट 33 मिलियन कॉइन्स मिल रहे हैं, 2.33 मिलियन कॉइन्स मिल रहे हैं एक रेस के, ठीक है। सो वेल, इस हिसाब से अपन एपिक सोर्ड, वेल एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ दिखाओ मेरे को, 130। सो भाई, अगर अपन लोग इसी तरह से इस सोर्ड को कलेक्ट कर लें तो अपनी पावर तो बहुत हो जाएगी यार, हैं। बाद में इनको डिवाइन वगैरह कर कुरा के और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे अपन, ठीक है। सो ये वाली है, ये है ना एलेक्स एक्स वाट फलाना टाइप का, जो भी हो इनको हटाओ, ठीक है। मेरे को यार ये कॉमन नहीं चाहिए, ठीक है। एंड भाई तो उसके अलावा मेरे को अपग्रेडिंग के लिए 7 मिलियन चाहिए थे, मैं एक्चुअली कर लेता हूँ और अब अपने को ज़्यादा पावर मिलेगी, ठीक है। यानी एक को पेलने पर 500-700, भाई साहब डैम, दिस इज एक्चुअली में गुड यार, हैं। हजार स्ट्रेंथ तो अपने को लिटरली यूं ही मिल रही है यार, मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, मच बेटर। बट एक्चुअली रिवर्थ करने पर कितना मिलेगा मेरे को देखने दो, 1.13 मिलियन, ओके। तो मैं चाहे जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, ठीक है, बट जैसे ही मैं रिवर्थ करूंगा अपनी स्ट्रेंथ वापस पीछे आ जाएगी। लाइक मेरे पास अब 1.14 मिलियन स्ट्रेंथ है, बट रिवर्थ के बाद 1.13 मिलियन। सो वेल एक्चुअली एक काम कर लेते हैं, बाहर में जान दो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, और उसके अलावा मैं यहाँ तो आया ही नहीं अभी तक यार। सुमन सर्वर बॉस प्लीज करो, ओके, बाय अटोमिक नाइट। ऑलराइट, तो आ जाते हैं और इसको सूट लेते हैं पहले तो, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ बहुत सारी है, अपन लोग इसको आराम से सूट सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है 108 मिलियन। और या अब मेरे साथ बाकी के लोंडा लफाड़े भी लग चुके हैं, तो इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अभी मार देंगे हम। एंड इसमें से अब मेरे को मिलेगी एक चेस्ट, जो मैंने पहले क्लेम नहीं की थी, बट अब मैं करूंगा, ठीक है। सो अपने को इसमें से मिली है की, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, बता है खलो, फ्री ओपन, ओके, फ्री है तो ओपन कर दो, यू गोट 6 मिलियन कॉइन्स, बता है हेलो, आई वॉन्ट मोर यार, मतलब सिर्फ 6 मिलियन, डैंग यू गाइस, ओके। सो अपन लोग हर 6 घंटे में एक बॉस स्पॉन कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा हाँ, नथिंग स्पेशल, छोड़ो। हाँ, तो अपन लोग हर 6 घंटे में एक बॉस स्पॉन कर सकते हैं, तो वी हैव टू वेट अनदर 6 घंटा फॉर स्पॉन अदर अनदर बॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग यहाँ पर इनको पेल लेते हैं, अपने को नई सोर्ड वगैरह मिलती रहेंगी, और उसके अलावा अपने को करने हैं पैसे, बहुत सारे पैसे, ताकि वही एक नई नया वेपन, एक हथौड़ा एक्चुअली, जिसकी स्ट्रेंथ है आई वॉन्ट दिस एक्चुअली, है ना, आई वॉन्ट दिस। एक काम कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, रख के क्या करूंगा, ठीक है। सो यस, मेरे को चाहिए वो दूसरी वाली एपिक, तो मैं कर लेता हूँ काफी सारी सोर्ड, एंड उसके अलावा कर लेते हैं काफी सारा पैसा, ताकि अपन रिवर्थ कर सके, और एक्चुअली वो तो मैं अभी ही कर सकता हूँ, तो जस्ट डू इट एक्चुअली, ठीक है। अपने काम को कंटिन्यू कर लेते हैं, अपने को करनी है बहुत सारी सोर्ड। ऑलराइट, तो मतलब अपने पास हो चुके हैं 268 मिलियन कॉइन्स। तो एक काम कर लेते हैं, खोल लेते हैं काफी सारे अंडे, बट उससे पहले यहाँ जाते हैं और वेपन्स चेक कर लेते हैं। और लिटरली भाई कसम से, इतनी देर से भटकने पर मेरे को सिर्फ एक और ये एपिक वाली सोर्ड मिली। मैं बहुत देर से लग रहा हूँ बाय द वे, तुम मेरे यहाँ कॉइन्स देख के अनुमान लगा लो, बट फिर भी व्हाट द हेक, ये काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है यार, ये बहुत ही रेयर हो गया मेरे हिसाब से सीन, है ना। खैर कोई ना, यहाँ जाते हैं काफी सारे अंडे ओपन कर लेते हैं, और इतने मतलब कॉइन्स के साथ अपन एटलीस्ट 10 अंडे तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन बाद में उन 10 अंडों को अपन लोग कर लेंगे क्राफ्ट, ना सॉरी फ्यूज, एंड देन तो अपनी स्ट्रेंथ मतलब क्या ही बताऊं, मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएगी कभी, है जी। एंड उसके अलावा मेरे पास लक भी तो है, मैं फुद्दू हूँ यार, वेट ही मत यार, मतलब यस ऑफ कोर्स मैं इसको यूज करूंगा भी, इवन दो आई डोंट थिंक इससे यूज करने का कोई मतलब होने वाला है, बट स्टिल मतलब जब है तो यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ग्रेट, लक यूज करने के बाद कॉमन बंदा मिला, 18 मिनट में लक यूज किया या नहीं किया,
हाँ कर दिया, ये रहा एक्टिव है, बट स्टिल कॉमन यार भाई। पहले भाई लिटरली पहले एपिक एपिक बंदे मिल रहे थे मेरे को, एंड इसको यूज करने के बाद स्टिल सिर्फ कॉमन बंदे यार, व्हाट द फक। एक रेयर बंदा मिला है बस, और लक बूस्ट ऑन करने के बाद सब कुछ बर्बाद मिला है मेरे को। ओ भाई साहब, इससे अच्छा तो मैं कुछ भी नहीं करता बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। ये तो न्याय के फुद्दूपना कर दिया मेरे साथ सालों ने यार। चलो एटलीस्ट तुझे तो कुछ तू तो बन जाएगा ना। थैंक यू, मैंने सोचा नहीं होगा बट थैंक यू। ऑल राइट, इसको भी अपन कर लेते हैं क्राफ्ट, 80% यानी कंफर्म होता है, तो अपने टेंशन की जरूरत नहीं है। कहा था मैंने नहीं है, है ना, यकीन नहीं करते मेरी बात पे आजकल तुम लोग, गंदी बात होती है। ठीक है एंड वेल, ये वाला भी अपना हो चुका है, और उसके अलावा मेरे पास जो बंदे हैं उनकी आई डोंट थिंक उनको करने का कोई मतलब बनेगा। ठीक है सो एक काम कर लेते हैं, क्विक बेस्ट कर लेते हैं, और ये है अपनी बेस्ट टीम जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है एंड वेल, अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1.39 मिलियन, और उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं एक और अंडा ऊपर। ओ बॉय, आई लाइक इट, ये वाला अंडा एक्चुअली में कुछ काम का था बे, 240, ये स्ट्रॉन्ग था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके अलावा आपने को कुछ मिला है यहाँ पर, क्लेम प्लस 2 वेपन स्टोरेज, ओके आई नीड समथिंग एल्स बट ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है एंड बोलो, अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1.46 मिलियन, और उसके अलावा अगर मैं रिवर्थ कर लूँ तो ये हो जाएगी 1.56 मिलियन, 46 पहले थी 56 बाद में होगी, और उसके लिए सिर्फ मुझे 5 मिलियन चाहिए। एक्चुअली 5 भी नहीं चाहिए भाई, सिर्फ थोड़ा सा बस। आओ ये तो मैं एक्चुअली अभी कर लूँगा, एक्चुअली कर लिया ओके रिवर्थ कर लेते हैं, अपने पास 15 रिवर्थ हो चुकी है, अपने को टोटल चाहिए 18, देन अपन जा सकते हैं अगले वर्ल्ड में, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो अपन अभी ही कर देंगे। ठीक है एंड उसके अलावा मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, स्केलेटन, वही नॉट बैड यार, अपन काफ़ी दूर आ गए हैं ना एक्चुअली, ऑलमोस्ट उस घोड़े तक पहुँच गए अपन। ठीक है ओके तो ठीक है, यहाँ सोर्ड वोर्ड तो अच्छी मिल रही है, वेपन बताओ मेरे को एक्चुअली पहले, है ना, ज़ॉम्बी पर आपने को ये 2 वेपन मिलेंगे और स्केलेटन पे ये 3। वहां पर ये वाला वेपन ज्यादा मिलेगा अपने को स्केलेटन के पास, ओके। और बाय द वे ये मेरी सोर्ड, मैं भाई उसकी सोर्ड देख के मैं सोचा मतलब नेवर माइंड। ऑलराइट एक काम कर लेते हैं, अपन लोग कर लेते हैं एक और रिवर्थ, और देन अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे इनवीट, 50 मिलियन में एक्चुअली अभी ही कर सकता हूँ। ठीक है एंड अगर मैं इनको पेलने लग जाऊं तो इवन ना इनको पेलने से अपने को माल पानी अच्छा मिलेगा। और एक मिनट वेट, मैंने ये मैक्स कर लिया या नहीं किया एक्चुअली, 10 मिलियन और देन ये मैक्स होएगा। हाँ ऑलराइट तो फिर इसको मैक्स कर देते हैं। ठीक है तो वेल अपन आ जाते हैं यहाँ पर, वेल ये अभी भी मैक्स नहीं होगा, इसके लिए 20 मिलियन चाहिए, 20 मिलियन ले लो मेरा के जा रहा है। ठीक है मेरे को मैक्स करने से मतलब है, ओके मेरे को मैक्स करना है इसको, एंड अब ये मैक्स हो चुका है, अब ठीक है। ठीक है सो वेल, अब अपने को इनको पेलने पर मिल रही है 500 ये तो स्टार्टिंग में भी मिल रही थी ना। हेलो ओए, हाँ वही ना, वही तो मैं कहूँ यार, मतलब 500 कैसे मिल रहे हैं यार, ज़्यादा मिलने चाहिए। जी हाँ तो अब अपने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 1K, 1.5K, 1.3K, 700, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है सो यस, इस हिसाब से अपन अपनी स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, और उसके अलावा रिवर्थ पेलने के लिए मेरे को चाहिए 50 मिलियन, एंड उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं और इनको क्राफ्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ये मिल गए हैं। ठीक है इसको कर लेते हैं डिवाइन, इसको कर लेते हैं कनेक्ट, एंड अब अपनी ये है नई स्वॉर्ड, इवन दो उस वाली का इफेक्ट ज़्यादा बेटर था बट ये भी सही है। ठीक है सो एक काम कर लेते हैं, अपन लोग कर लेते हैं 50 मिलियन, देन अपनी हो जाएगी ये 17 रिवर्थ, और देन जो अगली रिफर्थ होगी उसके लिए अपने को बहुत माल चाहिए, बहुत सारा, ट्रस्ट मी एक्चुअली। ठीक है One eternity later. हम तो बोले ही थे हमको भैया लिटरली सब मालूम होता है, ओके सो वेल 18वीं रिफर्थ के लिए अपने को चाहिए 500 मिलियन कॉइंस, यस ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है। ठीक है ये बहुत ही बड़ा टारगेट होने वाला है, और उसके अलावा अभी एक बॉस और स्पॉन हुआ था यहाँ पर गेम में, तो उसको पेलने पर अपने को मिला एक लक बूस्ट, एंड वेट, हाँ लक बूस्ट,
ये है अपना कॉइन शिट। वेल गाइस, तुम लोग इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो एक्चुअली, है ना, चाहो तो एक्चुअली। ऑलरेडी काम कर लेते हैं फटाफट, इनको पेल पाल के अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, एक्चुअली 2 मिलियन कर लेते हैं। देन अपन लोग उस स्केलेटन तक पहुंच सकते हैं और देन अपने को नई नई स्वॉर्ड मिलेंगी। एंड देन अपन लोग कर लेते हैं काफी सारे कॉइन्स, क्योंकि अपने को चाहिए 500 मिलियन कॉइन्स। वेल वो अभी हो जाएगा, वो अभी हो जाएगा, ठीक है, पर पहले अपन कर लेते हैं 2 मिलियन स्ट्रेंथ। Alright, 2 million strength done and well, अब अपन लोग कर लेते हैं अपने लिए बहुत सारे coins। And उसके अलावा भैया मैं ये race पूरी कर चुका हूँ, literally 2 बार पूरी कर रहा हूँ। And well, अब अपने को मिल रही है 2 sword, एक race पूरा करने के जहर कती, ओके। सो वेल, इसी स्पीड में लगा रहूंगा तो अपने को बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन्स मिल जाएंगे, बट उससे भी पहले अपने को करने हैं 500 million coins। Alright, तो वेल अपना मनी बूस्ट ओवर हो चुका है, बट वेल मेन बात वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन बात तो यो है कि अपने को मिल चुके हैं काफी सारे नए नए वेपन्स। एंड उसके अलावा एक कमाल की चीज देखना है तुम्हें, मैं दिखाता हूँ। अपने को मिल चुकी है एक मिथिकल सॉर्ड जिसकी HP है भैया 510K, और इसका नाम है निर्वाणा, और ये लिटरली देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। और इसको अगर मैं इक्विप बेस्ट कर लूँ और देन इसको ये बहुत एपिक लग रही है लिटरली, इसका इफेक्ट देखो भाई तुम, ओ बॉय, खतरनाक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर अपने पास काफी सारी ये वाली स्वॉर्ड हो चुकी है, इसको कर लेते हैं अपन लोग स्ट्रॉन्ग। एंड इसकी HP हो चुकी है 500, ठीक है, बुरा नहीं है। और इस वाली को कर लेते हैं अपन डिवाइन डिवाइन एंड डिवाइन। और उसके अलावा इस वाली को कर लेते हैं अपन गॉडली। एंड अब इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है 390, कम है बट स्टिल बेटर है, ठीक है। तो वेल ये देखने में उतनी खासी अच्छी नहीं लग रही है, और सही कहूँ तो ये वाली सोड अपनी ये देखनी मेरे को, ठीक है। सो वेल इस वाली को दिखाओ मुझे, ये कैसी लगेगी, है ना। सो उतना खासा अच्छा लग नहीं रहा एक्चुअली। अपनी ये जो निर्वाणा मिथिकल सोड है यही देखने में भैया खतरनाक लग रही है, ठीक है। सो वेल अब इसी के साथ अपन लोग अपना सीन पानी कंटिन्यू कर लेते हैं। और उसके अलावा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि क्यों ना अपन लोग एक बढ़िए, ओ भाई साहब, निर्वाणा सोर्ड जिसकी कीमत है 400 रोबक्स, जो अपने को फ्री मिल गई, डैम नसीब अच्छा है अपना एक्चुअली, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, एक लक बूस्ट ऑन कर देते हैं और 20 मिनट तक अपन लक बूस्ट के साथ ग्राइंडिंग करते हैं, क्या पता अपने वो कुछ खतरनाक मिल जाए हो सकता है ना, लेट्स होप कि अपने वो कुछ खतरनाक मिल जाए। ऑलराइट, 500 मिलियन कॉइंस डन। तो वेल अब एक काम कर लेते हैं एक और रिवर्स और चल लेते हैं अगले वर्ल्ड में। एंड उसके अलावा मेरे को काफी सारे वेपन्स भी मिले हैं, तो मैं वो भी तुम्हें दिखाता हूँ, बट पहले रिवर्स पहन लेते हैं। और नाउ अपना अगला वर्ल्ड अनलॉक हो चुका है, और उसके अलावा वेपन्स, वेल अपने को एक और मिथिकल निर्वाणा मिल चुकी है, और उसके अलावा तो ये सारी चीजें मिली ही है, तो इनको फटाफट से एक और मिल जाती, मैं इसको लिटरली डिवाइन कर लेता, देन इसकी शिट यार ये कितनी स्ट्रांग हो जाती ना, बस एक और चाहिए थी, बस एक। अब आ जाती है और इस वाली को भी कर लेते हैं अपन डिवाइन, एंड देन इस वाली को ओपन कर लेते हैं गॉडली, एंड 750K। वेल मेरा डिसीजन सही था, ये सॉर्ट ऑफ एपिक बन चुकी है, एपिक नहीं खतरनाक बन चुकी है, और इसका भाई साहब इफेक्ट वगैरह भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। सो यस, अपन ऑलमोस्ट अपन 1 मिलियन स्ट्रेंथ पर पहुंच चुके हैं, तो एक काम कर लेते हैं अगले वर्ल्ड में चल लेते हैं, जो है अपना फ्लावर वर्ल्ड। तो यस, I want to go, और ये है अपना फ्लावर वर्ल्ड। ओके, देखने में बुरा नहीं लग रहा। और भैया हरी कंडी की कीमत 20 मिलियन क्यों है यहाँ पर, पीछे वाले में भी 20 थी और यहाँ भी 20 है, मतलब चलो ठीक है, बुरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक काम कर लेते हैं, एक बार 20 मिलियन करके देख लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, और उसके अलावा लेजेंडरी तो क्या ही मिलेगा, बट स्टिल अपने पास 8 मिनट का लक बूस्ट पड़ा है, तो कर लेते हैं ट्राई। चलो तो अब मेरे पास हो चुके हैं 200 मिलियन कॉइन्स, एंड वेल मेरे पास अभी भी भैया 2 मिनट का लक बूस्ट बचा हुआ है, तो दवा का अंडा ओपनिंग कर लेते हैं, और उसके बाद
शॉर्ट तो मतलब शॉर्ट के नाम पे ऐसे टाइम पास है, वो कॉमन वोमन शॉर्ट है उनकी, स्ट्रेंथ तो कछु होगी ना, बट स्टिल देख लेंगे, मतलब एक बार देखने में कछु नहीं जाता, ठीक है। इवन तो मिल कॉमन कॉमन ही रहे हैं, पहले भैया मनी बूस्ट एक्टिव किया था तब कॉमन मिले थे, अब तो अलग बूस्ट है उनके यहाँ भाई, अब भी कॉमन तो गए के हेलो। एंड बोलिए आखिरी एंड और इसमें भी अपने को कॉमन दिया, बहुत अच्छे। सो वेल अपने पास हो चुके हैं 480 के 305 डैम, दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग यार, मैं इनको वीक समझ रहा था। वाओ वाओ ऑलराइट, एक काम कर लेते हैं अपने इन कॉमन बंदों को कर लेते हैं क्राफ्ट का पता, ये स्ट्रॉन्ग बन जाए बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है जी। एंड थैंक यू सो मच, सक्सेसफुली हो गया और इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है 480। वेल डैम बात है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ठीक है। सो वेल क्या हो अगर मैं इन दोनों को भी कर दूं तो, नहीं सोचूंगा, बाद में सोचेंगे ठीक है। पहले अपने वेपन देख लेते हैं जिनकी स्ट्रेंथ है 300, ना मैंने कहा ही था इनकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है ठीक है। इसको कर लेते हैं डिवाइन, इसको कर लेते हैं डिवाइन, इसको डिवाइन करके क्या ही करेंगे, इसको डिवाइन नहीं कर सकते, व्हाट द हेक, नेवर माइंड। वही 510, अगर इनको और भी लेवल इंक्रीज करा जाए तो ये और पावरफुल बन सकते हैं ना, 510 का 2 times यानी ऑलमोस्ट 1,000,000,000। ओके ये ट्राई किया जा सकता है, ये अवश्य ट्राई किया जा सकता है ठीक है, बट वेल वो ट्राई करेंगे अपन अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।